अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद मोहसिन, आप देख रहे हैं सारा न्यूज़ चैनल सच की आवाज़। खुशामदीद नाज़रीन, सारा न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। राजेंद्र नगर के बीजेपी कैंडिडेट तोकला श्रीनिवास रेड्डी ने पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बंडी संजय को तोकला श्रीनिवास रेड्डी को टिकट मिलने पर इनका शुक्रिया अदा किया और राजेंद्र नगर की आवाम से अपील की कि बीजेपी के हक में अपना कीमती वोट देकर बीजेपी तोकला श्रीनिवास रेड्डी को एमएलए बनाया जाए। बीजेपी कैंडिडेट ने मीडिया से बात करते हुए इस खसूस में तमाम तर तफसीलात भी बताई। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर मोहम्मद मोहसिन की ये खास रिपोर्ट। इसी तरह की मज़ीद तफसीलात से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज जो है भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र पार्टी और राष्ट्र पार्टी जो ने हमको इस बार मौका दिया राजेंद्र नगर कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए कैंडिडेट की जो मौका दिया उसके बहुत खुशी है और हम सब धन्यवाद कहते हैं। पूरा हर स्टेट लीडर्स को और नेशनल लीडर्स को सबको हम धन्यवाद कहते हैं और जो भरोसे से हमको ये मौका दिया गया वो भरोसे के हिसाब से ज़रूर राजेंद्र कॉन्स्टिट्यूंसी में राजेंद्र भारतीय जनता पार्टी के झंडा लहराएंगे और हर एक कार्यकर्ता और हर एक लीडर हर कोई बहुत खुशी से काम चल रहा है। जो हिसाब से नरेंद्र मोदी ने जो डेवलपमेंट कर रहा है इंडिया के अंदर, देश के अंदर, वो डेवलपमेंट को लेके और जो हिसाब से जो ने टीआरएस गवर्नमेंट ने, जो केसीआर ने, जो लोगों को जो हर एक वादा जो देके, जो वादा जो नहीं पूरा कर सका वो हर घर पहुंचा के और हम वोट मांगने वाले हैं और हर एक जो है पूरे हिसाब से जो है आज भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल के हमको जो जिताने के लिए पूरे सब मदद है। देखिए तो राजेंद्र कॉन्स्टिट्यूंसी के जो अंदर काफ़ी वादा जो अभी जो एमएलए जो 15 साल से जो एमएलए प्रकाश गौड़ है राजेंद्र कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेवलपमेंट के हिसाब को लेके काफ़ी वादा दिए सो ये पब्लिक के। जैसा कि देखे गए तो 100 बेड हॉस्पिटल बताने दिया, डिग्री कॉलेजेस बताए और काफ़ी डेवलपमेंट्स जो इन्होंने नहीं कर सका, जो काफ़ी डेवलपमेंट्स आज के दिन देखे भी गए तो जीएचएमसी के अंदर भी आज के डिविजन्स हर एक डिवीज़न में काफ़ी सीसी रोड्स की और ड्रेनेजेस की और काफ़ी प्रॉब्लम्स है और जो भी डेवलपमेंट नहीं कर सका हम पूरा डेवलपमेंट करेंगे। और आप देखे गए तो आज 15 साल मौका देने के बावजूद भी कभी इन्हों पब्लिक के अंदर गया नहीं और यहाँ तो पब्लिक के समस्या लेके कभी एक असेंबली में बात करे से सिचुएशन भी नहीं है अपन देखे गए। तो मैं आवाम को यही पूछना हम यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इस बार जो 15 साल से आप एक प्रकाश गौड़ को आप जो है मौका देते हुए आए हर एक पार्टी में, जब उन्होंने टीडीपी में था, जब टीआरएस में थे और हर एक पार्टी में आप उनको मौका देते गए, इस बार हमारे जैसे एक एजुकेटेड को और यंग लीडर को अगर हमारा एक मौका दीजिए और ज़रूर आपका जितने भी समस्या हम हल करेंगे। सब राजेंद्र नगर तमाम मुझे तीन कार्पेट है बीजेपी के राजेंद्र नगर में पक्का जीते आपको कैसा। देखिए मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, ये वेरी क्लियर है कि पब्लिक ने यहाँ के जो प्रकाश गौड़ एमएलए को है इनको अब पूरा रिजेक्ट करने के लिए प्रिपेयर हो गए। आप देखे गए तो जो आप जो बता रहे 2020 दो साल पहले जो जीएचएमसी इलेक्शंस हुए थे इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर है सो 3 टीआरएस कॉर्पोरेटर थे और जब पूरे पब्लिक ने एमएलए को रिजेक्ट करके एमएलए के खिलाफ में पूरे भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल के 3 कॉर्पोरेटर भारतीय जनता पार्टी को जिता ले, मतलब इसके अंदर आप समझ ये चीज़ समझना चाहिए कि ये यहाँ पर जो लोग आए हैं, यहाँ पर जो आवाम है पूरे बीजेपी के फेवर में है और टीआरएस को और प्रकाश गौड़ के खिलाफ में बीजेपी का साथ दी आवाम और ज़रूर जो हिसाब से तीन कॉर्पोरेटर को जो ने पब्लिक ने सपोर्ट किया ज़रूर वही सपोर्ट से और उससे बढ़ के मेजॉरिटी से भारतीय जनता पार्टी राजेंद्र कॉन्स्टिट्यूंसी में जीतने वाला है। मैं राजेंद्र कॉन्स्टिट्यूंसी के आवाम से मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि सभी लोग वोट डालने से पहले सोचिए और हमारे जैसे यंग और एजुकेटेड वालों को मौका दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने के लिए मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ और हर एक लोग जो है इसके जो वोट के राइट है उसको उपयोग कर लिए, उसको इस्तेमाल करिए और ज़रूर भारतीय जनता पार्टी को जिताइए।